धनिया पाउडर आप घर पर बनाना चाह रहे हैं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि धनिया पाउडर हम घर पर कितनी आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाकर हम स्टोर करेंगे तो यह साल भर बिल्कुल धनिया पाउडर ख़राब नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप बाज़ार से धनिया लें तो देख लें कि वो अच्छी क्वालिटी का हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल HD फूड सीरीज में। तो धनिया को हम सबसे पहले धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। तो आप सुन ही पा रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, एकदम खन खन की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब धनिया हमारी अच्छे से सूख गई है। अब इसे हम हाथ से इस तरह से मसल लेंगे, धीरे धीरे से मसल लेंगे, जिससे इसमें जो छोटी छोटी सी स्टेम होती है यानी डंडी होती है वो एकदम टूट जाएगी। और इसके भी पहले हम एक काम करेंगे कि धनिया को अच्छे से बिनकर साफ़ कर लेंगे। यदि इसमें एक आध कंकड़ पत्थर हो, मिट्टी हो, तो उन्हें हम अलग कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे घर में सूप वाली छन्नी होती है या मोटी छन्नी होती है, उससे इस धनिया को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से ये होगा कि जो पतली पतली डंडियाँ थी वो निकल जाएंगी और साथ ही जो बारीक डस्ट वगैरह होगी वो भी इस छन्नी से आराम से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह हम धनिया को एकदम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो अब आप देख ही सकते हैं कि जो डस्ट वगैरह थी इसमें और इम्प्योरिटी थी वो सब बाहर हो गई है, धनिया एकदम साफ हो गई है। अब क्या करना है कि अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसे हम हल्की आंच पर थोड़ी देर तक भूनेंगे। ज़्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है, बस हल्का गर्म होना चाहिए, उसका मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। इस तरह से कढ़ाई में जब हम इसे रोस्ट करके धनिया पाउडर बनाएंगे तो धनिया पाउडर साल भर तक एकदम ख़राब नहीं होगा। 3-4 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है हल्की आँच पर। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। बस अब क्या करना है, इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह पीसने के बाद ऐसा पाउडर हमें मिल जाएगा। इसे आप चाहें तो एक बार छन्नी से छान भी सकते हैं और फिर दोबारा पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं छान रही हूँ क्योंकि ये एकदम बारीक पीस गया है। तो देखा आपने धनिया पाउडर कितना मिनटों में बन गया है। इसे हम बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो ये बहुत महंगा भी मिलेगा और शुद्ध भी नहीं मिलेगा। तो अब आप जान गए होंगे कि धनिया पाउडर घर में बनाना कितना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आपकी मर्जी हो तब आप धनिया पाउडर घर में बना सकते हैं। बस अब ये करना है कि इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर स्टोर कर लेना है। तो ये साल भर तक आपका धनिया पाउडर एकदम ऐसा ही बना रहेगा। बस अब आपको एक काम और करना है कि अगर आपको मेरा धनिया पाउडर बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो बस फटाफट से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।